हे गाइस होप यू आर डूइंग वेल दिस इज योर फ्रेंड ये फ्रॉम टोरंटो कनाडा सो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कनाडा में वर्क परमिट कैसे लिया जाए तो दोस्तों वर्क परमिट के लिए बहुत ही लिमिटेड एवेन्यूज़ है स्पेशली जब आप फॉरेन कंट्रीज में हो और यहाँ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो तो मोस्ट केसेस में आपको कैनेडा के कोई एम्प्लॉयर से वैलिड जॉब ऑफर लेटर लेना है जिसका पॉजिटिव एल हो चुका है अगर आपके पास एल बेस्ड ऑफ़र लेटर नहीं है तो मोस्ट केसेस में आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो तो उसके लिए पहले आपको कोई जॉब सर्च करना होगा अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है और वो लोग आपको एल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयर तो ही आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो अदरवाइज आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बाकी जितने सारे ऑप्शन है आप इस लिंक पर जाके आप चेक कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो सिम्पलेट टर्म्स में एल एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा यहाँ के कैनेडियन एम्प्लॉयर को इशू करती है जो कि प्रूव करे कि जो लोग वो बाहर से बुला रहे हैं वो कैनेडा में लोकली अवेलेबल नहीं है इसीलिए उस टाइप के स्किल्स के लोग उसको बाहर से बुलाने की रिक्वायरमेंट है वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट गाइज़ के एल में बहुत सारे फ्रॉड लोग इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे फ्रॉड एजेंट्स होते हैं तो कृपया करके फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में मत पड़ना पैसे मत गंवाना बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना आई होप दिस इफॉर्मेशन विल भी हेल्पफुल टू यू सो गाइज प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो मी फॉर मोर थैंक यू